इधर पीछे लेके भाग जा, पीछे लेके भाग जा। बात है किसना, तेरा मुंह क्यों लटक गया? मैं तो तुम लोगों ने मंडी में छोड़ के आया था, और आज भी गया, पीसा ही मिल गया और लूट भी गया। दादा क्या कह रही है? थारा चहिता ठाकुर विक्रम सिंह मार भी गया और लूट का भी ले गया। लाखन और हरिया को हम लोग दफना कर आ रहे हैं और शामू जग भी आने से पीछे पड़ा है। विक्रम सिंह, अब मैं तने ना छोड़ू, अब मैं तने ना छोड़ू। अब तो जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है सुमेर बेटा, तुम्ही को करना है। चाचा, सुमेर बागी हो गया है, अब तो मेरे लिए गोली है और फांसी का फंदा है। तुम लोग भी सर पे कफन बांध लो, अब ठाकुर लोग और पुलिस की गोली का जवाब गोली से देंगे और लूट का जवाब लूट से। जिन लोगों ने अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है, जाकर बंदूकें उठा लो और हो लो मेरे साथ। सिंह चौधरी, मैं थारा ही रास्ता देख रहा था, उड़ा दी पुलिस चौकी। तो तन्ने खबर पहुंच गई कल्ला हैं? चौधरी, बस्ती से जब हवा आती है तो खबर लेकर आती है। तेरी जवान बड़ी काली है कल्ला, तन्ने एक दिन कहा था मैं कानून का पल्ला छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने कानून का पल्ला और आ गया भीड़ में। जवान काली कोनी चौधरी, जवान काली कोनी, हिया थोड़ी रोशनी है। जिस जवान के दिल में अपने लोगों का दर्द है, जो उसकी आत्मा की आवाज सुने, वो उस समाज में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर तू के जावे? अरे थारे और मारे बीच बहुत कुछ साझा है, धर्म कर्म जात, इब थारा और मारा गिरोह मिलके रहसी। सो तो ठीक है, पर सरदार कौन होसी? तू होसी और कौन? अरे थारे जैसा फौजी जो हथियारों को खिलौना समझे पर लड़ाई के दांव पे अच्छी तरह जाने, तू बड़ा समझदार है। खम्मा गणी हुकुम। कहो सूरज सिंह, क्या खबर है हमारे बच्चे की? वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें, जिन्होंने हाथों में हमने कभी चांदी का झुंझुना थमाया था, आज उन्हीं हाथों में एक बागी की बंदूक है। आपके आशीर्वाद से बंदूक भी उनके हाथ में खिलौना ही दिखती है ठाकुर साहब, और आज उसी खिलौने से खेलकर उन्होंने चोरी का माल वापस ले लिया है। ये क्या है? चोरी का अनाज बेचकर किसानों ने बहुत सा रुपया इकट्ठा किया था,
ठाकुर साहब ने वापस छीन लिया। मार पिटाई भी हुई होगी। हुकुम, चोर चोरी का माल प्यार से वापस नहीं करता। अच्छा बाके दीजिए, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जाओ, माँ जगदम्बे तुम्हारी रक्षा करे। खम्मा गनी हुकुम। ए छोरा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उधर जा। अरे कहाँ ना, उधर जा। दिखाई नहीं देता, अंधा है। तुम यहाँ, ये क्या तमाशा है? ये दर्द और जलन जाएगा तो बताऊंगी ना। खम्मा गनी हुकुम। ओ, तो इन्हें यहाँ लाने की हिमाकत तूने की है। इसमें मैं क्या कर सकता था ठाकुर साहब, इनकी जीत के आगे मैं मजबूर हो गया था। इनका हुक्म भी तो नहीं टाल सकता था। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। तो मैं तो समझा था कि इनाम मिलेगा। जी इनाम के बच्चे मैं। देखा मालो, ठाकुर की ठकराइन भी आ गई। कहाँ चल रही है? वो अपने कृष्णा के साथ जिंदा भाभी और गांव की दूसरी औरता भी आई है। चल चलो अच्छा में चल। सुनो, अब इस हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही तुम घर चली जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस रेगिस्तान में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने से दूर भेज दोगे? कहते हैं दूर रहकर प्यार बढ़ता है। उस दिल से पूछो जो दूर रहकर पल पल मरता है। रूप, क्या सोच रही है? जिन्ना, मैं तन्ने और सब औरतों ने सड़क तक छोड़ाऊंगा। सब गांव वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊं। क्या बकरी है तू, हैं? तने डर ना लगे। ये जंगल से, जहां सब जंगली से, ना जिंदगी की कीमत जाने, ना इज्जत की कीमत जाने। मैंने डर लगे। डर लगे हैं? तन्ने, चौधरी सुमेर सिंह ने? हाँ जिन्ना, तारे प्यार ने मैंने डर ना सिखा दिया। Come on, you little!
ये सब क्या हो रहा है? ये मुझसे नहीं ठाकुर साहब, ये अपने लाडले बेटे ठाकुर विक्रम सिंह से पूछिए, जिसने गरीबों के हक का पीसा छीन कर इस हवेली की तिजोरियां भर दी है। आज वही पीसा मैं वापस लेने आया हूं ठाकुर साहब, और वो पैसा मैं लेकर जाऊंगा ठाकुर। इस हवेली पर डाका डालने की तेरी जुरत कैसे हुई? इसे आप डाका कहते हैं ठाकुर साहब, उसे क्या कहेंगे जो आपके बाप दादा हम गरीब किसानों को पुश्तों से लूटते आ रहे हैं। सुमेर सिंह, चिल्ला मत ठाकुर, चिल्लाना मुझे भी आवे। इसे पहले के हवेली में और खून खराबा हो, गरीब किसानों का पीसा लौटा दे ठाकुर। तो किस हवेली को लूटने आया है? उस हवेली जिसे तुझे अपने बच्चों को समान प्यार दिया है, जिसे तुझे तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। बड़े लोगों का प्यार प्यार नहीं होता ठाकुर, ये झूठा दिलासा है जिसे बहलाकर हम गरीब किसानों को सदियों से तुम लोग लूटते आ रहे हो। तिजोरी की चाबियां दे दे ठाकुर, दे दे चाबियां। नहीं, चाबियां किसी भी हालत में तुम्हें नहीं मिल सकती। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ो और लूट लो हवेली। चलो सुनो, किसी ने हवेली की औरता की तरफ आंख उठाकर देखा तो इन हाथों से आंख लोच लूंगा। ठाकुर, गजब हो गया ठाकुर। क्या हुआ? सुमेर सिंह ने कल्ला के गिरोह के साथ मिलकर ठाकुरों की सभी हवेलियां लूट ली और आपकी भी। घर में तो सब ठीक है ना? भगवान की दया रही ठाकुर, पर हवेली तो लुट गई। कमबख्त ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, कमीने ने उस हवेली पे हमला किया जहां से सिवाय प्रेम के कुछ मिला ही नहीं। प्यार और दुश्मनी में एक ही कदम का फासला हो गया ठाकुर। तुम ठीक कहते हो, ठाकुर विक्रम सिंह ने आज फासला तय कर लिया है। समीर, उस दिन दोस्ती की राख नहीं उड़ी थी, अब उड़ेगी। तेरी बस्ती की राख बनकर, तेरी राख बनकर।